दर्शकों, आज आपको ना मैं ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ कि कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पर पांडवों ने भोजन किया था। ये लेक नजर आएगी, झील है, ये बनाई नहीं गई, ये कुदरती तौर पर बनी हुई झील है। जो पानी है ये बारिश का पानी है। इस वक्त है कहाँ हम? राजस्थान में। राजस्थान के टोंक जिले से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हाथीभाटा। हाथीभाटा मतलब पुरातन विभाग के अंडर है ये जगह। वहाँ पर यह झील बनी हुई है। एक हाथी भी बना हुआ है बहुत बड़ा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो थालियाँ भी दिखाऊंगा जहाँ पर उन्होंने भोजन किया था वो जगह। देख पानी का लेवल बढ़ भी जाता होगा, देख सकते हैं कि साइड पे ब्लैक ब्लैक शेड नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि पानी का लेवल ऊपर बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। काफ़ी रमणीक है राजस्थान में है, मगर ऐसा फील नहीं हो, गर्मी महसूस नहीं हो रही क्योंकि झील है दोनों तरफ, तो एक फील अलग सा आ रहा है। तो काफ़ी वीरान एरिया है, कोई आसपास कोई गांव छोटा मोटा होगा, कोई बड़ा नज़र नहीं आया मुझे। आओ देखते हैं, आगे चलते हैं। एक वो हाथी देख रहे हो, आ रहा है जी क्लियर उस पर? तो बता दूं कि ये कहा जाता कि 12वीं शताब्दी में लगभग बताया जाता कि इसका निर्माण रामनाथ सल्त द्वारा करवाया गया था। ये देख सकते हो आप हाथी, ये एक ही पत्थर का बना हुआ है। देखोगे ना, है कि ना कमाल की बात। जी इतना बड़ा है, लेकिन 24-25 फीट लंबाई होगी और ऊंचाई आप लगा सकते हो कि 10-15 फीट का अंदाज़ा है मेरा। ये उस पर ना कुछ दरारें पड़ चुकी हैं। दरारों का कारण ये कि कई भूकंप वगैरह आ जाए तो उसी वजह से दरारें पड़ गई होंगी। जो देख सकते हाथी भी उसी ज़माने का ही है। आओ आपको बड़ी बात ये बता दूँगी, यहाँ पांडवों ने भोजन किया था, वो थालियाँ भी आपको नजर आएंगी। आओ मेरे साथ। ये थालियाँ बनी हुई आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएंगी। ज़मीन पे बनी हुई पांडव और उनके साथी यहाँ पर आए थे कहा जाता है, जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने भोजन किया था। ये देखिए आपको थालियाँ काफ़ी गिनती में नज़र आएंगी, तकरीबन जिस तरीके से मैं अंदाज़ा लगाया था 100 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो लोग काफ़ी घूमने आते हैं, ये राजस्थान रमणीक जगह है जहाँ पुराने पुराने वृक्ष वन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस सामने व्यू हाथी का है, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम हाथीभाटा पड़ गया। ये देख सकते हो आप। सो दर्शकों, अगली बार और कोई नया विषय लेकर मिलते हैं। मेहरबानी, धन्यवाद।